नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं प्राइम उत्तर प्रदेश। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तीन दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे का आज आखिरी दिन है, जहां वो आज हरिद्वार में मौजूद हैं। इस दौरान आज सीएम योगी यूपी सरकार के होटल भागीरथी अतिथि गृह के लोकार्पण समारोह में शामिल हुए, जिसमें उत्तराखंड के सीएम धामी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि भागीरथी अतिथि गृह में कुल 100 कमरे हैं और जहां से होटल में ठहरने वाले सभी पर्यटक मां गंगा का दर्शन भी कर सकेंगे। भागीरथी पर्यटक आवास गृह का आज लोकार्पण हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दोनों के ही मुख्यमंत्री मौजूद रहे, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने दोनों ने मिलकर आज इसका लोकार्पण किया। आपको बता दें कि पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए इस जगह का निर्माण किया गया है, साथ ही साथ इसमें 100 कमरे भी हैं और इसका नाम भागीरथी अतिथि गृह रखा गया है। यहाँ पे ठहरने वाले पर्यटक माँ गंगा के भी दर्शन कर सकेंगे, यानी कि रिवर फ्रंट का व्यू दिया हुआ है इस होटल में अतिथियों के लिए। इसमें खासा इंतजाम किए गए हैं। और इस खबर में हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता नितिन जुड़ चुके हैं। नितिन, क्या कुछ जानकारी है जो ये भागीरथी अतिथि गृह है, इसमें 100 कमरे की व्यवस्था तो की गई है, साथ ही साथ और किस तरह की सुविधाएं देखने को मिलेंगी? देखिए शिखा जी, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड का आज दौरे का आज तीसरा दिन है और आज तीसरे दिन मुख्यमंत्री भागीरथी अतिथि गृह का लोकार्पण कार्यक्रम जो होना है उसमें शिरकत करेंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बताया जा रहा है कि यूपी सरकार के भागीरथ पर्यटन आवास का जो शुभारंभ है वो करने वाले हैं। इसमें इस भागीरथी जो गेस्ट हाउस है, इसकी अगर बात करी जाए या पर्यटन आवास की बात करी जाए, तो इसमें 100 कमरे बनाए गए हैं और 100 कमरों के साथ साथ इसमें 88 डीलक्स कमरे भी बनाए गए हैं। इसके अलावा होटल के पास माँ गंगा की जो आरती है वो भी देखने को मिल सकती है और कमरे से ही दर्शन जो है वो कर सकते हैं इस माँ गंगा की आरती के। इस कार्यक्रम का समय जो है वो 11:30 बजे निर्धारित किया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसमें शिरकत की है और उस कार्यक्रम को बताया जा रहा है कि एक भव्य तरीके से आयोजित किया गया था, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लंबे समय बाद उत्तराखंड पहुंचे हैं और उन्होंने इस तरह के कार्यक्रम में शिरकत की है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता नितिन कुमार जुड़े थे। बुधवार की शाम यूपी में आंधी के साथ साथ बारिश के बाद लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली, जबकि मौसम विभाग ने गुरुवार को भी गोरखपुर सहित कई जगह पर धूल भरी आंधी, हल्की बारिश और गरज के साथ बौछार पड़ने की संभावना जताई है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, लखनऊ, बलिया, अलीगढ़, बागपत में जमकर बारिश हुई है आंधी तूफान के साथ, जहां लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मंडलीय समीक्षा और निरीक्षण कार्यक्रम के तहत वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना रायबरेली पहुंचे। इस दौरान उनके साथ जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश घटिक और अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आजाद भी मौजूद रहे। तीनों मंत्रियों ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और साथ ही CHC गौशाला का निरीक्षण भी किया। रायबरेली में जहां एक तरफ मौसम का मिजाज बदलने से जनता को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं जनपद के दौरे पर निकले सीएम योगी आदित्यनाथ के मंत्री के सामने जनपद की सच्चाई आ गई, जब सुबह शहर के भ्रमण पर मंत्री सुरेश खन्ना अन्य दो मंत्रियों के साथ निकले तो पहले उन्होंने खस्ता हाल बस स्टैंड देखा और जल भराव की समस्या इतनी थी कि मंत्री खुद पानी के किनारे से होते हुए निकलना पड़ा।
औरैया के अरवा कटरा ब्लॉक सभागार में वित्त वर्ष में किए गए कार्यों की समीक्षा के लिए एक बैठक बुलाई गई, जिसमें ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य उपस्थित रहे, जबकि बतौर मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष कमल दोहरे, सांसद प्रतिनिधि रिया शाक्य समेत ब्लॉक प्रमुख, खंड विकास अधिकारी ने इस बैठक में शिरकत की। वहीं इस बैठक के दौरान खंड विकास अधिकारी मनीष कुमार सिंह ने बताया कि सरकार की योजनाओं का धरातल तक ले जाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और विकास कार्यों में तेजी लाई जाएगी। सर, आज ब्लॉक सभागार में जो प्रधान और बीडीसी के बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई गई, जिसमें बड़ी संख्या में सभी लोग आए, क्या क्या आपके द्वारा दिशा निर्देश दिए गए? आज क्षेत्र पंचायत की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सभी सम्मानित क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान उपस्थित रहे। शासन द्वारा, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाएं जो विकासखंड स्तर पर विशेष रूप से जिन पर नियंत्रण किया जाता है, जो संचालित की जाती हैं, उनके बारे में जानकारी दी गई। इसमें समाज कल्याण में संचालित वृद्धा विधवा विकलांग पोषण पालनहार योजना, किसान सम्मान निधि योजना, उर्वरक वितरण, हैंडपम्प मरम्मत, जल निगम की योजनाएँ, मनरेगा, श्रम विभाग की योजना और आवास और ग्राम विकास की अन्य योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। आज आपके द्वारा ब्लॉक सभागार में बीडीसी एवं प्रधान की जो मीटिंग बुलाई, क्या इसका मुख्य उद्देश्य था? इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि पिछले बीते हुए वित्तीय वर्ष में किए गए विकास कार्यों की समीक्षा और हमारे आने वाले जो वित्तीय वर्ष है उसमें हमारे विकास कार्य की कार्ययोजना तैयार होना, उसकी रूपरेखा तैयार करना और हमारा विकास कार्य कैसे बेहतर हो, एक सामंजस्य बैठक की सभी बोर्ड के मेंबर। गाजियाबाद में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जबकि बीते 24 घंटे में कोरोना के 111 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं और पिछले 3 महीनों में पिछली बार ऐसा हुआ है जब कोरोना संक्रमितों की संख्या 100 के पार पहुंच गई है। वहीं पूरे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के संक्रमण से 31 लोगों की मौत हुई है और 3,205 नए मामले सामने आए हैं। अलीगढ़ में पूर्व सपा विधायक वीरेश यादव ने कुर्की का आदेश जारी होने के बाद एमपी एमएलए कोर्ट में आत्मसमर्पण किया है, जिसके बाद न्यायालय ने पूर्व सपा विधायक को जेल भेज दिया है। वहीं इस मामले पर सरकारी अधिवक्ता कुलदीप तोमर ने बताया कि साल 1997 में दादो क्षेत्र के सांकरा निवासी शिव कुमार गुप्ता और साल 1998 में रायपुर निवासी दर्शन सिंह ने दादो थाने में पूर्व विधायक वीरेश यादव के खिलाफ जानलेवा हमला करने के मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। वीरेश यादव के खिलाफ मेरे न्यायालय में एमपी एमएलए में 2 मुकदमे विचाराधीन हैं और दोनों ही मुकदमे 307 आईपीसी के विचाराधीन हैं। इसमें एक मुकदमा दर्शन सिंह यादव के द्वारा पंजीकृत करा गया था 98 में और वो जो बैनामा करा के लौट रहे थे तो रास्ते में ये वीरेश यादव मिल गए जीप भी लेके। इनका एक गनर भी था और एक अन्य साथी था और इनके साथ उसके साथ कासुनी करी और उस पर फायर किए, उसके बंदूक राइफल उसको छीन लिया था। तो फिर जब फायर किए तो 307 का मुकदमा 98 में लिखा गया था और उस मुकदमे में आज तक वीरेश यादव जी हाजिर नहीं हुए थे न्यायालय में। लगभग 24 वर्ष बाद माननीय न्यायालय में आज उन्होंने सरेंडर किया है। इससे पूर्व 5/9/21 को खबर मथुरा से है, जहां बरसाना पुलिस ने नगला वोहरा रोड ब्रिज वाटिका में शराब तस्कर मनोज की संपत्ति को जब्त करने का नोटिस चस्पा किया है। वहीं इस दौरान 28.90 लाख की संपत्ति कुर्क किए जाने के आदेश के बाद नोटिस चस्पा करने के दौरान मौके पर मथुरा मजिस्ट्रेट, क्षेत्राधिकारी गोवर्धन, थाना बरसाना प्रभारी और थाना हाईवे पुलिस बल मौजूद रहे। एक वांछित अभियुक्त था जिसके विरुद्ध जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय से आदेश हुआ, उसी के अनुपालन में सीओ सर संबंधित क्षेत्राधिकारी की उपस्थिति में और ये संपत्ति इसको कुर्क किया गया और इसके बाद फिर इसमें आगे जो कार्रवाई होगी नियमानुसार वो की जाएगी, वैधानिक कार्रवाई हमारे द्वारा की गई है। थाना बरसाना के सातिर अभियुक्त मनोज, जो कि एक शराब माफिया घोषित किया गया है, इसने अवैध रूप से यहाँ पर जो संपत्ति अर्जित की है, जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में आज उसको कुर्की की कार्रवाई की गई है।
अभियुक्त मनोज एक शातिर किस्म का शराब माफिया है, इसके खिलाफ कुल 11 मुकदमे दर्ज हैं। औरैया में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जहां बिधूना में दिनदहाड़े हुई महिला के साथ लूट की घटना को अंजाम देने वाले 25,000 के दो इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही अवैध असलाह, जिंदा कारतूस और बाइक भी बरामद की गई है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक औरैया अभिषेक वर्मा के निर्देश में SOG टीम और थाना बिधूना ने संयुक्त टीम का गठन किया, जिसके बाद बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको जो है पुलिस ने हाफ एनकाउंटर किया हुआ, क्या है, किस तरीके से आरोपी थे, कहां से वांछित थे? देखिए, अभी हमारे यहां जनपद में चेकिंग चल रही थी, दो पहिए जो संदिग्ध वाहन है उनकी चेकिंग लगाई गई थी। इसमें बेला बिधुना रोड पर हमारी पुलिस पार्टी चेकिंग कर रही थी और इसके साथ यहां पे एक बाइक पे दो व्यक्ति सवार होते हुए आते हैं, जिसमें सामने वाला व्यक्ति हेलमेट लगाया हुआ था और पीछे वाला जो व्यक्ति था उसने कुछ इशारा करा तो बाइक को उन्होंने भगाया और सहार रोड की तरफ ले गए। वहाँ पर जब इनको घेराबंदी करी गई तो इन्होंने पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग करी। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने भी इनके ऊपर फायर की आत्मरक्षार्थ हेतु, और इनके जो दोनों अपराधी हैं इनके पैरों पे गोली लगी, जिसके फलस्वरूप इनकी पहचान ये वर्षल साहू और शिवम रस्तोगी के रूप में है। ये थाना बिधुना में एक घटना 21 अप्रैल को शाम को करीब 5:30 बजे हुई थी, जिसमें एक महिला। खबर मथुरा से है, जहां बेटी की शादी को लेकर घर में बवाल हो गया, जिसके बाद पति पत्नी में कहासुनी हो गई और विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्साए पति ने अपनी पत्नी को आग लगा दी। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और महिला की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। बता दें कि वृंदावन के पानी गांव में स्थित ब्रज शिरोमणि गौशाला का यह मामला है। क्या नाम है आपका? राधा शर्मा। कहाँ के रहने वाली हैं? मैं पानी गाँव सीवर गुद्दड़ में, मेरी गौशाला है ब्रज शिरोमणि। क्या मामला हो गया था? ऐसा है कि मेरे 5 बहन भाई 21 नवंबर को मेरी बेटी की शादी कर दी। मैं 18 साल से बाबा के पास पत्नी रूप में रह रही हूँ और यहाँ उन्होंने जैसे बेटी को शादी करने में खुश नहीं थे, वो मेरी बेटी की शादी करने में खुश नहीं थे, पर मैंने जबरन शादी कर दी तो उस दिन से आए दिन वो मेरे से लड़ाई झगड़ा करते थे और अभी उन्होंने गुंडों के द्वारा मेरे बेटी को निकाला। 7-8 दिन उसका विरोध करने के कारण उन्होंने मुझे मारपीट और मेरी साड़ी में आग लगा के मारने की कोशिश की। बीते 24 घंटे में प्रदेश के कई जनपदों में रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पहले तो फर्रुखाबाद में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं औरैया में स्कूल पढ़ने जा रही 11वीं की छात्रा को टैंकर ने रौंद दिया, जिससे मौके पर उसकी मौत हो गई। वहीं गाजीपुर में भी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। और वहीं सीतापुर में भी एक कार पेड़ से टकरा गई, जिसमें गाड़ी सवार अधिवक्ता की पत्नी की मौके पर मौत हो गई जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। औरैया, गाजीपुर, सीतापुर, फर्रुखाबाद सभी जगह देखने को मिल रहा है। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।